राजधानी दिल्ली में अब झपटमारों का खौफ है। दरअसल यहां पर शनिवार की रात लगभग 9:30 बजे दिल्ली के आदर्श नगर की रहने वाली सिमरन कौर अपनी मां और 2 साल की बच्ची के साथ दवाई लेने के लिए निकली थी, लेकिन रात को 9:30 बजे जैसे ही अपने घर के पास वो यहां पर पहुंची, ठीक इस जगह यहां पर मेन रोड से बिल्कुल अंदर आते के साथ ही स्कूटी पर सवार 2 बदमाश आए और उनमें से एक बेहद तरीके से पीछे से आया और चेन लूटने की कोशिश की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उस पर चाकू के 2 वार किए। यहां पर ठीक महिला गिर गई, उसके हाथ में जो 2 साल की बच्ची थी वो भी सड़क पर गिर गई। महिला ने उस बदमाश का पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो बदमाश को नहीं पकड़ पाई, चूंकि चाकू के 2 वार हुए थे और उसके बाद महिला अपने बच्ची को उठा करके आगे पैदल अपने घर की तरफ गई। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची वो वहां पर गिर गई, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल सिमरन कौर, जिनकी उम्र 25 साल है, वो लुधियाना में रहती थी, उनकी शादी हुई थी लेकिन ये आदर्श नगर उनका मायका है, वो यहां पर आई हुई थी और जब कल दवाई लेने गई कि जैसे ही अपने घर के पास पहुंची उन पर जो झपट मार थे उसने चाकू से वार किया चेन लूटने के लिए और फरार हो गए। सवाल यहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर तमाम खड़े होते हैं कि किस तरीके से महिलाएं देश की राजधानी दिल्ली में असुरक्षित हैं, कैसे घटना के घंटों बीत जाने के बावजूद पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है, वो भी तब जब ये झपटमारी और हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कि पूरी तरीके से चेहरा बदमाश का साफ नजर आ रहा है और ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके से बेहद शातिराना अंदाज में जो आरोपी था उसने बाकायदा रेकी की पीछा किया और उसके बाद जब महिला अपने घर के पास पहुंची तो वहां पर चाकू से इस तरीके से हमला किया। फिलहाल मोहल्ले में देखिए आप, गमगीन माहौल है, ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये रेजिडेंशियल इलाका है, यहां पर लोग रहते हैं और रात के 9:30 बजे जिस तरीके से घर के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस हर बार की तरह इस बार भी आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कह रही है, लेकिन ये पूरी वारदात कहती है कि किस तरीके से बदमाश खाकी को अपने जुर्म के पहियों तले रौंद रहे हैं और खाकी इन बदमाशों को रोक नहीं पा रही है। हर बार की तरह आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए दिल्ली पुलिस इस बात की गवाही देती है कि दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम कम है, लेकिन झपटमारी की यह वारदात, यह खौफनाक वारदात इस बात की तस्दीक करती है कि दिल्ली में झपटमारों का ही राज है।